सनसनी ऑफ इंडिया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने दिल्ली एनसीआर के कुख्यात पॉकेटमारों के गैंग का भंडाफोड़ करते हुए दो पॉकेटमारों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी व लूट के 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन्होंने अब तक लगभग 500 मोबाइल की चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपियों की पहचान 45 वर्षीय भजनपुरा दिल्ली के सलीम उर्फ जावेद और 35 वर्षीय एसजीएम नगर फरीदाबाद के प्रशांत के रूप में हुई है। सलीम पर पहले से 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी से मोबाइल चोरी और लूट के 9 मामलों का खुलासा हुआ है। दिल्ली और एनसीआर में मोबाइल चोरी और लूट करने वाले गैंग ने आतंक मचा रखा था। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से हाल ही में हुई मोबाइल चोरी की वारदातों को देखते हुए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डीसीपी श्वेता चौहान ने एसीपी ऑपरेशन योगेश मल्होत्रा की सुपरविजन व स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर शैलेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एएसआई योगेंद्र, एएसआई बलजीत, कांस्टेबल अमित और कांस्टेबल पंकज की एक टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने जांच में जुटकर दिल्ली एनसीआर में सक्रिय कुख्यात मोबाइल चोरों के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर उन पर निगरानी शुरू की। टीम के प्रयासों के परिणाम सामने आए जब उन्हें दो कुख्यात पिक पॉकेट मारों के बारे में जानकारी मिली जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में सक्रिय थे। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस को एक्टिव कर संदिग्धों पर सर्विलांस लगाया। जांच टीम को मुखबिरों से टिप मिली कि संदिग्ध पिक पॉकेट मार दिनांक 20 नवंबर 2021 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चेम्सफोर्ट रोड के पास चोरी के मोबाइल फोन बेचने आएंगे। पुलिस ने जाल बिछाकर चेम्सफोर्ट रोड से दो शातिर पिक पॉकेट मारों को दबोच लिया। उनके पास से 9 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए जिसे इन्होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पहाड़गंज, नबी करीम, दरियागंज, पटेल नगर, पहाड़गंज व रंजीत नगर थाना इलाके से चुराया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले 4-5 सालों से वो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वे अब तक लगभग 500 मोबाइल की चोरियों को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो चोरी किए गए मोबाइल को चलते फिरते राहगीरों को बेच देते थे। उन पैसों से वो अपनी जरूरत को पूरी करते थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। आरोपी सलीम उर्फ का जन्म पुरानी दिल्ली में हुआ था। वो अनपढ़ है। वो कपड़ों के सेल्समैन का काम करता था लेकिन बाद में बेरोजगार हो गया। वो बुरे तत्वों के संपर्क में आया और बुरी संगत में पड़ गया और शान और शौकत से जीने के लिए उसने आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी। आरोपित सलीम के खिलाफ पहले से ही थाना विवेक विहार, थाना हजरत निजामुद्दीन रेलवे, थाना दरियागंज व थाना कश्मीरी गेट में 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी प्रशांत का जन्म कोलकाता में हुआ था। वो अनपढ़ है और बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। ग्लैमरस जीवन जीने की उसकी उच्च महत्वाकांक्षा थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो बुरी संगत में पड़ गया और अवैध गतिविधियों में लग गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, साथ ही गैंग के अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।